ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। सरकार तो आती जाती रहती है, कभी भारतीय जनता पार्टी है, कभी कांग्रेस की, परंतु ये पहली ऐसी सरकार देखी हमने। और एक तो चंबा जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे चंबा का हुआ है, जितने भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी थे, जितनी भी उन्होंने अनाउंसमेंटें की थी, वो सारी इन्होंने डी नोटिफाइड कर दी है। इनको तो ये चाहिए था कि ठीक है, इसकी आप समीक्षा करो, अगर ये ठीक करके रखो, अगर इन्होंने गलत किए तो उनको आप कैंसिल करो। परंतु इन्होंने बगैर सोचे समझे है जितनी भी अनाउंसमेंटें थी सारी वो डी नोटिफाइड कर दी है। इसके विरोध में पूरे हिमाचल में जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और इस संदर्भ में आज हमारे मंडल ने जो आई ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसके लिए आपने देखा भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और 5 साल हो गए थे हमारी सरकार बने हुए, और मैंने बिना किसी भेदभाव के चंबा विधानसभा क्षेत्र का मैंने विकास करने की पूरी कोशिश की है। परंतु शायद मेरे में कोई कमी रह गई थी कि लोगों ने पसंद नहीं किया, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नए विधायक है ये अच्छा काम करेंगे चंबा के डेवलपमेंट में। हम बिल्कुल इनके साथ हैं, जो भी ये डेवलपमेंट के काम करेंगे उसके साथ, अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम इनके साथ नहीं है हमारे। मैंने पूरी कोशिश की, और मैं इनका कल इंटरव्यू पर देख रहा था, वहाँ पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सारे काम हैं वो हमारे टाइम के हैं, तो मैं तो प्रेस वालों पर बड़ा हैरान हुआ। मैं 20 बार बोल बैठा इनको, ये पूछो कि क्या ये पार्किंग इनके टाइम की है, ये जो हॉस्पिटल के थले नीचे जो अल्टरनेटिव रोड है क्या ये इनके टाइम की है, इसमें जो नीचे ऊपर से घर लग रही इनके लिए स्प्रे का भी पैसा आ गया है, और नए ब्रिज के टेंडर भी लग गए नीचे, इन्होंने नहीं तो बोला ये हमारे टाइम की है, इनके टाइम के कोई नहीं। अगर इनके कोई टाइम का बताओ, मलूना सड़क जो है आपके सामने यहाँ पर काम लगा हुआ है, नीचे वेंडिंग जोन का था काम लगा हो तो, परंतु किसी ने इसमें स्टे ले लिया है, कोई आदमी नहीं बोला। अब हद तो तय, जब तड़गरा सड़क देखो आप, 40-50 साल से लोग रो रहे हैं, परंतु ये सड़क नहीं बना सके वहाँ पर, वहाँ सड़क पहुँच गई। फिर कहते हैं ये बोलते हैं कि इतिहास से कर, बिल्कुल हमारे जो माने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर ने चंबा के लिए एक इतिहास रचा है। आज इतने काम आज तक हमने भी नहीं देखे, इतने मेरे को भी 40 साल हो गए पॉलिटिक्स में, 70 सड़कें आपके सामने, 5 पांडवों की उसमें ब्रिज का काम लगा हुआ, इन्होंने हमारे टाइम क्या जी। और ऐसी ऐसी सड़कें थी जैसे रजेरा संगेट रोड, 25 साल से वहाँ पर लोग रो रहे थे, वहाँ पर सड़क पहुँच गई, पार रजेरा से पार वहाँ पर तड़गरा में वहाँ पर सड़क पहुँच गया, ब्रिज का काम लगा हुआ है। खजार रोड, खजार एरिया जितना सारा लॉजी में था वो सारा चंबा में आ गया, खजार की झील की सफाई हो गई, खजार में पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, खजार में रेस्ट हाउस का काम हुआ, खजार में पेवर पड़ गया सड़क में। फिर बोलते कि काम कुछ नहीं, काम बताओ। इनको पूछो कि इन्होंने पिछले 5 साल सरकार थी इनकी, इसके पहले कौन सा काम किया इन्होंने, ये तो प्रेस वाले पूछते नहीं है, ये पूछो ना इनको, हमने तो काम किया है इनमें जितने काम, ये तो मैंने अभी ये नजदीक वाले काम गिनाए आपको। सिल्लागराड रोड में 1983 के बाद एक गेंती नहीं लगी, और वहां पर 4 की 5 सड़कें बन गई, ब्रिज बन गए, स्कूल दे रही है, धार माल कहाँ है, बच्चे बेचारे धार माल से जो जडेर और सिल्ला आते थे, सुबह चलना शाम को घर पड़ना, सुबह फिर चल पड़ना, वहां हमने हाई स्कूल दे दिया, क्या गलत किया वहां पर। टपूर सड़क कितने साल से बनती, वहां पहुंच गई। मेरा मतलब हमने जितने भी 5 साल में काम किए पूरे ऐतिहासिक काम किए हैं, अगर इन और इनके टाइम के तो बता दो आप, वो तो आप बताते नहीं है, ये तो सारे ऑन रिकॉर्ड है, सड़क ऐसे थोड़ी बन जाती है। दादाजी को तो पता है ये भी ठेकेदार रहे हैं, इसका तो पहले सर्वे होता है, फिर इसमें पटवारी वगैरह जाएंगे, सर्वे होगा इसका, फिर जो लोगों की जमीन है उसकी ये गिफ्ट डीड होगी, गिफ्ट डीड के बाद फिर इसका एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट के बाद फिर फॉरेस्ट के पास जाएगा, फॉरेस्ट कंप्यूटर में चढ़ा के शिमला भेजेंगे, शिमला वाले फिर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, तब ये सड़क बनती है, और उसके बाद भी NPV जमा कराना पड़ता है फॉरेस्ट के, जितने भी पैसे हैं मेरी जितनी भी सड़कें हैं सबके NPV जमा है, करोड़ों रुपये हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देंगे, तब सड़क का काम लगा हुआ है। इनको पूछो इनके टाइम में NPV जमा हुआ, जब NPV नहीं जमा हुआ तो सड़कें कहाँ से बननी इनकी, ये बताओ ना। जब तक आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देंगे तब तक ये सड़क बनी नहीं सकती है, और फिर बोलते हैं कि ये नहीं जी थ्रेट दे रहे हैं जी, मैंने सुन रहा था, बोले वो तो दी मुबारकबाद होती है पर दिल से नहीं दी, मैं फिर दोबारा देता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है
कि जो नए विधायक चुन कर आए हैं ये चंबा की डेवलपमेंट करेंगे। शायद हमने जो काम किए लोगों को पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने हमको हरा दिया। पर तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए विधायक है ये कि चंबा की पूरी डेवलपमेंट करें हम इनके साथ। इन्होंने 5 साल, एक और मैं बताऊँ, हॉस्पिटल में इन्होंने रोज, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था कि डॉक्टर नहीं है जी, MD नहीं है जी। तो अभी तो चलो इनको थोड़े दिन अभी कैबिनेट में बनी है, तो इसके बाद हम इनको 1-2 महीने का टाइम देंगे, ये डॉक्टर ले आए। अब इन्होंने बोली बदलना शुरू कर दी है कि ये डॉक्टर आते नहीं है जी, इनको फैसिलिटी नहीं आते, तो अब आपकी ड्यूटी है ना चलाना। हमने तो पहली बार NHPC से 15 करोड़ रुपये लिए हमने MRI और CT स्कैन के लिए, पैसा कम हो गया। 5 करोड़ हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दिया, 20 करोड़ रुपया चलो हमने तो मशीनें लगा दी, अब ले आओ स्पेशलिस्ट जो भी है इनके, चलाओ आप, हम आपके साथ हैं। सर महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा था, और आपने इन्होंने जो 10 सफाई देखी है पूरे चंबा की और पूरे हिमाचल की महिलाएं इनका इंतजार कर रही है कि 1500 रुपये कब हमारे खाते में पड़ेगी। अभी इन्होंने भाषा इसकी भी बदल दी, अभी ये बोल रहे हैं कि हमने ये नहीं वायदा किया था कि हम 1 महीने में डाल देंगे, हमारे पास 5 साल का टाइम बचा, 5 साल में जब मर्जी डाल देंगे। ये इनका हाल देखो आप, एक मिनट में मुकर के। और इन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी, चलो इसका तो इंतजार कर लेते हैं हम, OPS वो भी पता लग जाना सारे इनके पास। और पूरे हिमाचल के लोग और चंबा के लोग ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली वो सबके लिए है, जो पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर उन्होंने उन्होंने की थी पहले गांव के लिए, इन्होंने तो सबको कर दी है, अब उसमें ही मुकर रहे हैं। पहली तरीक आ रही है, देखते हैं अब ये पहली छोड़ो अगली पहली देख लेंगे, ये 300 यूनिट फ्री देते हैं नहीं देते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है ये जितने इन्होंने वायदे किए हैं 10, हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर ये 10 के 10 वायदे पूरे कर दें, हम बिल्कुल इनके साथ हैं। परंतु एक डॉक्टर हॉस्पिटल वाले और एक जो जिसने जितने बाकी मेरी प्रेस वालों से ये निवेदन है कि आप इनसे पूछो ना, एक डॉक्टर के लिए और जो काम इन्होंने इनके टाइम किए हैं बताओ, वो तो आप पूछते नहीं इनसे। तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है और एक बार फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जितने वायदे इन्होंने 10 वायदे किए थे ये जल्दी से जल्दी जो है इसको ये। सर आज क्या प्रोग्राम है आपका? आज इसके बाद हम DC ऑफिस जो है पूरे हिमाचल में जो है ये इसका जो इन्होंने डी नोटिफाइड की है इसके अगेंस्ट में हम इनको मेमोरेंडम देंगे DC साहब को, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आके हम माजी साहब में बैठ के फिर बैठ संबोधित करेंगे सारे को और इनके व्यूज़ लेंगे जितने हमारे वर्कर आए। मैंने पहली बार देखे ऐसे वर्कर जिन्होंने दिन रात एक ही है, मैं जितने वर्कर यहाँ पर आए मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हार जीत तो चलती रहती है कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने इलेक्शन में पूरा दिल जान से काम किया, इसके लिए मैं इनका जो है धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। Oh, my God.
साधन जो जो हमारे यहाँ विनोद भाई की है उसके लिए संभावित सरकार की भर्सना करता है। ये जो जितने भी हमारे सरकार ने जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो पब्लिक की डिमांड से जो संभव मंडल की ओर से राज्यपाल जी से आप धन्यवाद। आज हमने जो ये रोष रैली निकाली, रोष रैली है ये कि जो ये डी नोटिफाइड किया गया है सभी कुछ, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने चंबा के बारे में हमेशा भला ही सोचा, और हमारे जो पूर्व के विधायक श्री पवन नैयर जी ने जो संस्थान यहाँ पे खोले थे और जिनको डी नोटिफाइड किया गया, उसके लिए हमने ये रोष रैली निकाली थी। और हम ये कामना करते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है, ये जो इन्होंने संस्थान डी नोटिफाइड किए हैं उनको दोबारा से तत्काल इनको बहाल किया जाए और दोबारा से ये संस्थान दोबारा से खोले जाएं, क्योंकि ये संस्थान हमारे लिए ज़रूरी थे तभी खोले गए हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं खोले जाते। आज जिस तरीके से हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। हार जीत तो चली रहती है, सभी कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं सीखता है, तो हमें ये सीख लेनी चाहिए। और सभी हम अपने आप में ये समीक्षा करें कि हमारे हार का कारण क्या रहा। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, ये हम सब अपने खुद से ये समीक्षा करें कि कहाँ कमी रही है और हमने कहाँ पे कमी छोड़ी है। तो जिस तरीके से आज इकट्ठे हुए हैं, एकजुटता से हम यहाँ पर आए हैं, मैं यही चाहूँगी कि यही एकजुटता हम सभी भाजपा कार्यकर्ता में रहे, ताकि हम एकजुट होकर जो भी वर्तमान सरकार अच्छे के लिए कार्य करेगी तो हम उनके साथ रहेंगे, अगर उनकी विरोधी कार्य नीति रहेगी तो हम उनके विरोध में रहेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे जो 2022 के भाजपा के प्रत्याशी हैं, मैडम नीलमणि जी से गुजारिश करता हूँ कि वो आए हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। नमस्कार सम्मानित मंच, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आए हुए कर्मठ कार्यकर्ता, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने छोटे से नोटिस पर जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हार जीत तो चलती रहती है, परंतु फिर भी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, इतने वोट हमें दिए हैं, बहुत से कुछ कमियां हम में रही होंगी तभी जो है हम हारे हैं, परंतु हार के भी हम सीख रहे हैं कि हम जो है आगे और काम करेंगे ताकि हम दोबारा से जो है वो अपनी सरकार जो है वो लाए। धन्यवाद। इसके साथ कोई भी किसी को भी कोई नाराज़गी हो वो जो है वो बात कर सकता है हमारे साथ। कुछ जो है वो ग्रुप में भी जो है वो मैसेज बहुत करते हैं कि हमें हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, तो वो हम मिल बैठ के जो है वो हम कार्यकर्ता जो हैं वो सभी मिल बैठ के जो हैं वो अपने विचार सबके सामने रख सकते हैं कि क्या क्या बात जो है वो उनके साथ हुई है या कुछ है। इसके साथ मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हम विधानसभा चुनाव हार गए, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि मेरी कमियाँ रही, चुनाव हारे, लेकिन अगला लक्ष्य हमारा सिर्फ है 2024। हमें तैयार होना है 2024 के लिए। जो कमियाँ रह गई उनको सुधारते हुए अगली तैयारी शुरू करनी है और आज से करनी है। ये जो सरकार आई है चंद बहुत लंबी सरकार नहीं चलेगी, जुमा आठ दिन हुए और अभी विरोध शुरू हो गया। ये इतिहास में पहला मर्तबा ऐसा होगा कि एक चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट 15 दिन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और आप जानते हैं क्यों हुए। जो निर्णय कैबिनेट लेती है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जो निर्णय कैबिनेट करती है उसको निरस्त करने का अधिकार भी कैबिनेट को ही होता है, लेकिन कैबिनेट बनी नहीं, अकेला मुख्यमंत्री निरंकुश होकर के निर्णय ले रहा है और हमारे जो जनहित में लिए गए निर्णय हैं उनको निरस्त किया गया है। उसके साथ साथ 1 अप्रैल 2022 से जितनी नियुक्तियां हुई, भले वो IPS में हुई, भले वो स्कूलों में हुई, किसी भी विभाग में हुई, उनको भी होल्ड पे रख दिया गया है, निरस्त किया जा रहा है। इससे अराजकता फैलेगी, जिन लोगों को रोजगार मिला वो बेरोजगार होंगे। अब ये अपने चुने हुए अपने पसंदीदा लोगों को लगाना चाहते हैं, जो अन्याय है।
संविधान में ये अधिकार किसी के पास नहीं है कि वो कैबिनेट के निर्णयों को निरस्त कर सके। और कैबिनेट का निर्णय भी ऐसे नहीं होता, उसकी पूरी प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर तक पूरा सर्वे होकर के वो कैबिनेट में जाता है और सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी उसे कैबिनेट में रखता है, तब जाके वो मंत्रियों का समूह से पास करता है, तब उसकी नोटिफिकेशन गवर्नर करता है। निरस्त होने की नोटिफिकेशन कैबिनेट को करनी थी, लेकिन वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने स्तर पे कर ली। जो हुआ वो भले के लिए होता है, हमारे हक में है, हमारे लोग परेशान होंगे ज़रूर, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। और जब हम एकत्रित होंगे तो इकट्ठे रह के, ये पांच उंगलियां हैं, पांच इकट्ठी होंगी तो मुट्ठी बनेगी। और मैं आपको वादा करता हूँ, आप लोग साथ रहे तो हम चंबा से मोदी जी को इतनी लीड दिलाएंगे कि कांग्रेस की आंखें दिन में भी बंद हो जाएंगी, दिन में चांद नजर आएगा उनको। और वो सब कुछ आप लोगों के सहयोग से होगा। अब चुनाव में किसने क्या किया आपको ही पता है, मैंने क्या किया मुझे पता है, हमें आत्मनिरीक्षण करना। अगर हम लोग अपने गिले शिकवे भूल के लगे होते तो शायद हमारी ये हालत ना हो। इसलिए आज भी समय है, अगले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज से डटिए और जनहित में कार्य करिए। जो वोट आप लोग दिला सकते हैं शायद मैं यहाँ से जाके नहीं दिला सकता। हमारा सिस्टम भाजपा का त्रिदेव का है, जो काम त्रिदेव कर सकता है वो एक विधायक नहीं कर सकता। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आप लोग त्रिदेवों में से बहुत से लोग हैं, आप अपने अपने मोर्चे कष्ट होके अपना बूथ संभालिए। हम वायदा करते हैं कि 24 में मोदी जी को, जैसे हम पिछले वर्षों में करते रहे, पिछले चुनावों में करते रहे, कि चंबा सबसे ज़्यादा लीड देता रहा। और एक समय ऐसा भी था कि माननीय पूर्व सांसद हमारे शांता कुमार जी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हार गए थे और चंबा डिस्ट्रिक्ट से उन्हें लीड मिली और विजय हुए थे। आज भी हम इतिहास दोहरा के बताएंगे कि चंबा जिला आज भी अग्रणी है और चंबा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज़्यादा लीड दे के जाएंगे। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने अपने स्तर पे रहिए। आपको कोई कमी आती है, कोई तंग करता है, संगठन आपके साथ है, विधायक पूर्व विधायक आपके साथ हैं, प्रत्याशी आपके साथ हैं। हम डट के मुकाबला करेंगे, दिन रात एक कर देंगे और उनके दांत खट्टे करेंगे। इसलिए निवेदन, एकत्रित होकर के काम करिए और 24 को अपना लक्ष्य लेके चलिए। हमें विजय श्री मिलेगी, सेंटर में हमारी सरकार होगी और मोदी जी उसके प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं का और पूर्व विधायक का, मैडम जी का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर हम खुशी पे ही बोलेंगे तो फिर क्या बोलना हुआ, कमी पे भी बोलना चाहिए। हार जीत तो होती है, लेकिन हमारी हार इस बार की हार है। ध्यान से सोचिए, अगर 15 या 16 साल के बाद वो हार जाते तो वो तो एक किस्म की मौत थी। शुक्र है कि वो मरने से बच गए और उनको जीत मिल गई। क्यों 16 साल बाद अगर फिर हार जाती है तो हमारा मुकाबला भी क्या था, खेल खत्म हो गई। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि रात दिन, जैसे कि बोलने वाले प्रवक्ता बोल चुके हैं, जैसे डिनोटिफाई किया, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हकीकत तो ये थी कि उन लोगों ने करना चाहिए था जिन्होंने आज अच्छी सरकार चुनी थी हमारे बजाय, क्योंकि हमारे काम डिनोटिफाई नहीं करने चाहिए थे, उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। और इसके लिए आज हमें उन लोगों के लिए फिर विरोध में खड़े होना पड़ा हारने के बावजूद भी। तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि जहां भी हमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती हो तो जैसे कि एक नोटिस पे इकट्ठे हुए, बढ़ चढ़कर हम इकट्ठे हुए।